नाम? नाम मेरा शाहरुख है, राजीव कॉलोनी का निवास है मेरा। राजीव कॉलोनी के अंदर वार्ड 78 लगता, नरेला विधानसभा लगती है और हमारे नरेला विधानसभा का विधायक विश्वास सारंग जी हैं और वार्ड 78 का काशीबाई साहू है, विधायक भी बीजेपी का है और पार्षद भी बीजेपी का है और हर राज्य में बीजेपी का राज चल रहा है। इससे नरेला विधानसभा के अंदर कोई विकास नहीं है, नालियां रोडों पे बह रही हैं, वो पानी हमारे घरों में जो आ रहा है, काफ़ी जनता परेशान है। तो जनता ने जो हमारे बीच जो बात रखी है उसमें कोई हमें विकास नहीं मिला। वो आज घरों के अंदर पीने का नर्मदा लाइन का जो कहते हैं कि हम नरेला विधानसभा के अंदर नर्मदा लाइन आई है, टोटल नालियों के वजह से गंदा पानी घरों में आ रहा है और काफ़ी लोग बीमार हैं, चिकनगुनिया डेंगू की काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। इससे हमारे नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 78 और 77 की कोई विकास नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजीव कॉलोनी में अभी तक विकास ही नहीं हुआ? विकास बिल्कुल नहीं हुआ। नगर में विकास नहीं हुआ? एहसान नगर में विकास नहीं हुआ, नगर में विकास मुल्ली हम मतलब किसी समय सीमा से नहीं कहते ना। आज हमारे रुसल्ली मस्जिद के इधर ना लाइट है और वहाँ मंदिर भी है और मस्जिद भी है, वहाँ कोई लाइट की कोई परिस्थिति नहीं है, काफ़ी अंधेरा पड़ा रहता है और वहाँ क्राइम और जराइम बराबर हो रहा है, बराबर वहाँ लोग बैठ के सट्टा और जुआ खेल रहे हैं। जितना यहाँ पर नरेला विधानसभा में सट्टा और जुआ चलता है ऐसी कोई विधानसभा में नहीं चलता। सही कहा, अंधेरा होगा वहाँ पर क्राइम और जराइम दोनों होंगे शामिल। यहाँ का लाइट की व्यवस्था नहीं, खंभों पे लाइट नहीं? बिल्कुल नहीं है। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ क्राइम भी होगा और जराइम भी होगा। इसका कोई और हम आम जनता नहीं उठाएगी मुद्दा तो कौन उठाएगा? क्राइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपकी बात शासन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे क्राइम न्यूज के माध्यम से।